देखिए इंग्लिश में एक शब्द है आपका ऑर्डर्ड, तो स्टूडियो में ऑर्डर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में इस शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या मतलब होता है ऑर्डर्ड का। देखिए सबसे पहले तो जानिए जो ऑर्डर्ड शब्द है मूल रूप से ऑर्डर से बना है। तो ऑर्डर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑर्डर्ड जो है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल आएगा ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड का क्या मतलब हुआ, मतलब वही हुआ जो ऑर्डर का है, सिर्फ यह पास्ट टेंस में, जैसे कि बोलेंगे किसी को हुक्म दिया, आदेश दिया, आज्ञा दिया, हुक्म सादिर किया। और अगर हम पार्टिसिपल की तरफ प्रयोग करेंगे, पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, तो यह एडजेक्टिव भी बनता है ईडी लगा करके ऑर्डर में, तो इसका मतलब होगा ऑर्डर्ड का आदेशित, आदिष्ट, मामूर, मुनज्जम, सुव्यवस्थित, आदेशित, क्रमवार, मतलब ऑर्डर्ड। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं इंस्ट्रक्टेड, कमांडेड, डायरेक्टेड, अरेंज्ड, कंट्रोल्ड, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, सिस्टमेटाइज्ड, केयरफुली अरेंज्ड और कंट्रोल्ड एंड इट इज, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं ऑर्डर्ड के। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से, जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे हम लोग कि ही ऑर्डर्ड द आर्मी टू इन्वेड एट डॉन, तो उसने सेना को भोर में आक्रमण करने का आदेश दिया। तो ऑर्डर्ड का मतलब आदेश दिया, आर्मी का मतलब सेना, इन्वेड का मतलब हमला करना और एट डाउन का मतलब तड़के, सुबह सवेरे भोर। दूसरा एग्जाम्पल है दे वर ऑल्सो ऑर्डर्ड टू स्ट्राइक बैक, मतलब उन्हें भी जवाबी हमला करने का आदेश दिया गया था। तो ऑर्डर का मतलब दिया गया और स्ट्राइक बैक का मतलब जवाबी हमला। ठीक है, उम्मीद आपने ऑर्डर्ड शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क। इंग्लिश सीखने के लिए और इस तरह से वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।